आप सब लोगों ने हाल फिलहाल में खबर सुनी ही होगी कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठा है जो गुरुवार देर रात करीब 12:30 बजे ओडिशा से टकराया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तूफान का ये नाम या किसी भी तूफान को उसका नाम कौन देता है, और जब एक तूफान किसी भी एरिया पर हिट होता है तो आखिर उससे किसी भी जान माल की हानि ना हो उसके लिए कितनी तैयारियां करी जाती हैं? तो चलिए आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर तूफान को नाम कौन देता है। तो दरअसल रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर यानी RSMC जो दिल्ली में स्थित है, इस संस्थान की जिम्मेदारी होती है किसी भी चक्रवाती तूफान पर नजर रखना और उसके आने से पहले लोगों को उसकी खबर दे। अब ऐसे में अगर किसी भी तूफान की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है तो उसे एक नाम देना जरूरी हो जाता है, और वहीं अगर किसी भी तूफान की रफ्तार 137 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है या उससे पार हो जाती है तो उसे चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा जाता है। ओडिशा में आए इस तूफान की रफ्तार तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक मेजर करी गई और इसलिए इसको दाना नाम दिया गया। आपको बता दें ये नाम सऊदी अरेबिया की एक टीम ने दिया, इसका मतलब होता है उदारता। किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले लोगों को किसी भी प्रकार का खतरा हो उसके लिए कितनी तैयारियां करी जाती हैं, इसका पता आपको तूफान दाना से लोगों को बचाने के लिए जो तैयारियां की गई उससे पता चल जाएगा। इस तूफान की वजह से 2 एयरपोर्ट्स भुवनेश्वर और कोलकाता पर पिछले 16 घंटे में 300 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, ईस्टर्न रेलवे ने 190 और साउथ ईस्टर्न रेलवे ने 14 ट्रेन्स को कैंसिल करा, यानी कुल मिलाकर 552 ट्रेन्स को रद्द किया गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक तूफान आता है तो इकोनॉमिकली भी कितना ज्यादा हमारे देश के ऊपर इसका असर पड़ता है। वैसे बात अगर असर पड़ने की करें तो आपको बता दें कि किसी भी साइक्लोन या प्राकृतिक आपदा के आने पर सिर्फ वो क्षेत्र ही प्रभावित नहीं होता जहां आपदा आई है, बल्कि उसके आसपास के भी कई क्षेत्रों पर उसका असर होता है। जैसे अभी साइक्लोन दाना का एग्जांपल अगर हम लें तो साइक्लोन दाना का असर ओडिशा के साथ साथ अन्य 6 राज्यों पर भी हुआ, जिनमें पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना शामिल है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सिंहभूम, देवघर, धनबाद, दुमका जैसे क्षेत्र भी हैं। इनके साथ साथ छत्तीसगढ़, बिहार और तमिलनाडु के भी कई क्षेत्रों पर इसका असर हुआ है, और इन सभी क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए हर राज्य ने अपनी अपनी तैयारियां करी हैं, जिससे हम अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साइक्लोन के आने से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाती है। तूफान के बारे में तो हमने आपको इतना कुछ बता दिया कि अगर आपके क्षेत्र में कभी तूफान आए, जो भगवान ना करे लेकिन अगर आ ही जाए, तो आपको क्या सावधानी लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जहां भी हैं तुरंत अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि ऐसी तेज हवाओं में बाहर रहना आपके लिए क्या किसी के लिए भी सही नहीं है। घर आने के बाद खास ध्यान रखें कि किसी भी तरह के मेटल या बिजली के इक्विपमेंट्स को बिना वजह छूने से बचें, क्योंकि उनमें करंट आ सकता है। अपने पास घर में मोमबत्ती या टॉर्च या माचिस, इनका स्टॉक जरूर रखें। और अगर आप घर नहीं पहुंच पाए हैं और बाहर ही फंस गए हैं तो किसी भी बड़ी इमारत या फिर कंस्ट्रक्शन साइट से दूर ही रहें, क्योंकि अक्सर साइक्लोन्स में उनके गिरने का खतरा बन जाता है। हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपके जनरल नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा, और हमारे साथ अपनी जनरल नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाने के लिए फॉलो करना ना भूले हमारा चैनल।